हेलो एवरीवन, आज आप लोग रेडी हो जो फाइनल होने वाला है कुछ घंटों में। दोनों टीम अगर आप देखोगे, राजस्थान रॉयल्स एंड गुजरात टाइटंस, बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग, बोथ ऑफ देम आर गुड। सब इंग्रेडिएंट्स दोनों टीम में है। अगर आप देखोगे फर्स्ट सिक्स बैट्समैन राजस्थान रॉयल के देखोगे, जयसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन, कैप्टन पडिक्कल, हेटमायर एंड रियान पराग। छः के छः बैट्समैन बहुत फॉर्म में है, और अश्विन जो अपनी लिटिल कैमियो खेल लेते हैं बैटिंग में भी आके, और जब से ये बॉलिंग भी अब बहुत अच्छा कर लेते हैं। काफ़ी लेग ब्रेक डालते हैं, ऑफ स्पिन नहीं डालते हैं, बट वो काफ़ी वेरिएशन से वो बॉल करते हैं। तो अभी हम राजस्थान रॉयल की बात करें तो ये वो लोग बहुत अच्छे फॉर्म में आए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। एंड जो लास्ट मैच में जो प्रसिद्ध कृष्णा अवैध मकोई ने जो बॉलिंग करी है, तो एंड ट्रेंड बॉल डेफिनेटली जो बहुत ही बैलेंस साइड है, ट्रेंट बॉल, प्रसिद्ध कृष्णा, अवैध मकोई विथ ए स्लोअर वन बहुत अच्छी है। दो अच्छे स्पिनर, वर्ल्ड फेमस स्पिनर्स दोनों, पर्पल कैप होल्डर अपने युजवेंद्र चहल एंड यू नो आर अश्विन, जो मतलब काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। सो राजस्थान रॉयल की टीम सॉर्टेड है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। बट जो कल जो चेंज कर सकते हैं, वो आज का रिजल्ट उसने चेंज करना है कि वो बस जो मोमेंटम है उसकी बनी रहे और वो इसी तरह खेलते रहे और मैच जीतते रहे। गुजरात टाइटंस जो टीम बनी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये टीम कैसे परफॉर्म करेगी, और सबने शायद डिस्कार्ड ही कर दिया था कि ये टीम आगे नहीं जाएगी। लेकिन जो टीम होती है वो टीम बनती है प्लेयर्स से। जो प्लेयर्स जो होते हैं, जो अपने साथ काफ़ी एंथुजियाज्म लाते हैं अपनी, उसने कुछ नहीं गंवाना है, उसने आके परफॉर्म करना है। उसको तो वर्ल्ड क्रिकेट को दिखाना है कि हम लोग खेल सकते हैं, हम लोग भी चैंपियन प्लेयर बन सकते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो टीम बहुत ही अच्छी बैलेंस लग रही है आफ्टर 15 मैचेस के बाद। जब हम बात करते हैं तो कि वृद्धिमान शाह जो ऊपर से रन कर लेते हैं, शुभमन गिल आके करते हैं, मैथ्यू वेड उसका इनिंग बाकी है, आज शायद उसका दिन हो सकता है। अगर आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप में द वे ही बैटेड, और स्पेशली उसने जब पाकिस्तान के सामने जो मैच जिताया था सेमीफाइनल में T20 में, तो उसका रन तो ड्यू है। अगर वो फॉर्म में आ गया तो वो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा गुजरात टाइटंस के लिए। कैप्टन हार्दिक पांड्या इज ऑलरेडी कम बैक टू इंडियन टीम, वो दिखा रहा है कि इज फिट, इज फाइन। आई एम राइटिंग एज अ बैट्समैन इन दिस, बट एक्चुअली ही कैन बॉल ऑल्सो इन बिटवीन, सो इज लाइक ए ऑलराउंडर। बट आज के दिन के लिए डेफिनेटली वुड लाइक टू स्कोर सम रन एंड कंट्रीब्यूट टू द बैटिंग टीम। कल का जो हमने मैच देखा RCB और राजस्थान रॉयल में, तो देखने को ये मिला कि टॉस इज गोइंग टू बी वाइटल। सो अगर जो टॉस जीते वो फील्डिंग करेंगे, तो जो फर्स्ट बैटिंग जिसकी भी आ सकती है उसको बैटिंग में विकेट नहीं गंवानी है, और उसको हो सके कि जितना ज़्यादा वो क्रीज पे रहे और लास्ट के 10 ओवर में जैसे रन बना सकते हो तो बन सकता है। तो गुजरात टाइटंस लुकिंग सो गुड इन एट द मोमेंट बिकॉज दे ऑलरेडी वन द मैच, दे गॉट 4-5 डेज ऑफ। अभी वो आज गेम में आएंगे, वृद्धिमान साहा, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तवे, क्या जिसने 2-3 मैच बहुत बड़े जीता है, राशिद खान ने भी बहुत अच्छे जीता है। तो मैं दोनों टीम में से ऑलराउंडर की बात करूँ तो आर अश्विन और राशिद खान हो सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक ही थोड़ा जो एक्सपीरियंस का जो डाउट है, वो मुझे रवि साई किशोर है एंड यश दयाल जी, कंपेयर टू द राजस्थान। राजस्थान में प्रसिद्ध कृष्णा है एंड यजवेंद्र चहल है, एंड यहाँ पे यश दयाल जो नया बॉलर है, लेकिन उसने डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो अफजाली जो से यश दयाल एंड साई किशोर, मुझे लगता है ये वो लोग वही टीम से जाएंगे, क्योंकि ये टीम है जिससे वो लोग टीम मैचेस जीतते आ रही है। और कोई गलत नहीं है, क्योंकि सब लोग अच्छी बॉलिंग में है, अच्छे लय में है, अच्छे वो स्पिरिट में है। तो गुजरात टाइटंस डेफिनेटली, जिसने पूरा पूरा सिस्टम को बहुत ही क्वाइटली, कुछ ज़्यादा शोर शार नहीं करते हुए, एक के बाद एक गेम खेलते गए और परफॉर्मेंस से मैच जीतते गए और टॉप पे रहे, और टॉप पे रह के भी उसने वहाँ पे सेमीफाइनल जो क्वालिफायर वन था जीता। तो वही दर्शाता है कि वो वेरी सॉर्टेड है सब चीज़ों से, माइंडसेट भी बहुत क्लियर है कि जाना है, अच्छा खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है, मैच जीते जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट लक उसके साथ इसलिए क्योंकि उसका कैप्टन हार्दिक पांड्या बहुत ही अच्छी तरह से टीम को लीड कर रहा है और वो कूल हेड है। अभी अभी दो टीम देखे जाए तो लास्ट टाइम में तबेटिया डेविड मिलर दोनों राजस्थान रॉयल से खेलते थे, लेकिन उतनी और एक्सपोजर नहीं मिली थी मिलर को वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से उसको कंसिडर किया गया है, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसमें वो सक्सेसफुल रहा है। तो आई थिंक
गुजरात टाइटंस बहुत ही अच्छी लग रही है पेपर पे, और इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अच्छी है और ये उसका पहला साल है, कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे। 2008 में जब पहली बार आईपीएल हुआ था तो वो भी पहला साल था जो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो फैक्टर काम आ सकता है। ये बहुत बड़ी गेम है, जोस बटलर बहुत रन करके आ रहे हैं, तो वो प्रेशर में तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो चाहेंगे कि ये मैच में अच्छे फिनिश करें और इस मैच को जिताए और टीम के लिए जिताए, शेन वॉन के लिए जिताए, जो पहला टाइटल शेन वॉन जीता था। तो अगर ये आज का मैच जीत के वो टाइटल जीतते हैं तो इट इज़ अ फिटेड फॉर फेयरवेल इन टर्म्स ऑफ टू शेन वॉन, बिकॉज इज नो मोर विद अस, बट हिज मेमोरीज, हिज बॉलिंग एंड हिज स्किल्स एंड हिज टॉक, हिज एटीट्यूड, हिज करिश्मा स्टिल देयर विद अस, एंड यू नो वी रियली लव हिम एज अ बॉलर। आई वॉज लकी टू मीट हिम रिसेंटली, एंड दैट मीटिंग रियली हेल्प मी अलॉट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्सन हु इज सो गुड इन हिज क्राफ्ट एंड हिज टॉक एंड हिज मैनेजिंग द क्रिकेट। सो इट इज ऑल अबाउट शेन वॉन टूडे जस्ट टू विन दिस। राजस्थान रॉयल एक्चुअली वेरी गुड फ्रेंचाइज है, बहुत ही अच्छी फ्रेंचाइज है, बहुत अच्छी तरह से लोगों को संभालते हैं, और पूरी टीम के साथ में काम कर चुका हूँ तो मुझे पता है वो बहुत ही अच्छे लोग हैं जो अपने प्लेयर्स को संभालते हैं और उसके लुक आफ्टर करते हैं बराबर से। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है अगर आप पेपर पे देखा जाए तो राजस्थान रॉयल, बट टॉस वाइटल होगा, जो टॉस जीतेगा उसके लिए काफ़ी फेवर हो जाएगा। लेकिन कहने की बात यह है, फाइनल है, बड़ा मुकाबला है, 1 लाख लोग डेफिनेटली होंगे, टिकट्स मिल नहीं रही है वहाँ पे। और दूसरी बात यह भी है, आज तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर दोनों मैच देखने आने वाले हैं, साथ साथ में इतने लोग मैच देखेंगे वर्ल्ड वाइड, यही मैच देखने के लिए और सुनने के लिए लोग आज अपना टाइम स्पेंड करेंगे गेम के लिए। तो बोथ द टीम वी विश यू गुड लक, आप दोनों अच्छे से खेलो, अच्छे से एंटरटेन करो, हम सब लोग बहुत एंटरटेन हुए अभी। थैंक यू टू द आईपीएल एंड यू नो द अमाउंट ऑफ गेम्स वी सीन इन दिस टूर्नामेंट, एंड इट्स डेफिनेटली अ लॉट ऑफ सक्सेस टू आईपीएल, एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट टू आईपीएल फॉर द अपकमिंग। एंड बोथ द टीम राजस्थान रॉयल, कुमार संगकारा एंड आशीष नेहरा, आशीष कपूर, गैरी कर्स्टन, मिथुन मन्हास इन टू गुजरात टाइटन्स, रंजीत द फिटनेस ट्रेनर, ऑल ऑफ देम वी विश यू गुड लक फ्रॉम राजस्थान रॉयल, संगकारा, ट्रेवर पैनी, ऑल द कोचिज अलॉन्ग विद देम विश यू गुड लक। दिस इज अ गेम वेर यू हैव टू जस्ट गो एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, गिव यू 100% एंड विन द गेम। आई विल बी बिजी फॉर कोचिंग इन द इवनिंग, बट डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट आई विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ द गेम एंड एन्जॉय द मोमेंट विनिंग टीम हु गोना लीव द कप। फॉर बोथ द टीम इट्स अ फ्रेश मीटिंग इन टर्म्स ऑफ विनिंग द ट्रॉफी, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ वाइब्स, लॉट ऑफ हाइप्स, एंड गुड फॉर द गेम, दैट्स व्हाट आई कैन से एट द मोमेंट। गुड लक कैप्टन संजू सैमसन, आई मेट यू इन 2014 व्हेन यू आर प्लेइंग अंडर 19 इन यूएई, एंड कैप्टन हार्दिक पंड्या गुजराती, आम गुजराती, आबादो जीती जावानू छे, आजे मैच ने जीतवाना है। और मैथ्यू वेड, आई एम लुकिंग, माई माइंड टेक इज ऑन मैथ्यू वेड टुडे, मुझे लगता है मैथ्यू वेड आज की गेम बहुत ही बड़ी गेम है उसके लिए, और वो बड़े मैच के खिलाड़ी है, डेफिनेटली वो कुछ बड़ा करेंगे आज। मेरे हिसाब से दोनों टीम यही होगी क्योंकि दोनों टीम जीत के आ रही है, दोनों टीम का मोरल ऊपर है, एंड वी विश यू गुड लक टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू ऑल, एन्जॉय द IPL 2022, एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम एंड वी हैव सीन सम वेरी गुड क्रिकेट। गुड लक टू बोथ द टीम, थैंक यू।